हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती वितरण के बाकी के प्रश्नों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों में। हमारा प्रश्न था प्रश्न नंबर 20। 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं, कितने मजदूर एक सप्ताह में 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर टाइम बिल्कुल दोनों के लिए बराबर दिया गया है, एक सप्ताह का, तो हम एक सप्ताह पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर 25 मजदूर 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहे हैं और हमें पूछा गया कि कितने मजदूर 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएंगे। तो सड़क की लंबाई बढ़ गई है तो मजदूर भी हमें ज्यादा लगाने पड़ेंगे, तब हमें सेम टाइम में बिल्कुल बराबर समय में हमारा काम ज्यादा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लेते हैं मजदूर और लंबाई सड़क किलोमीटर में, मजदूर और सड़क किलोमीटर में ये लेते हैं हम। तो हमारे पास मजदूर है, देखिए पहले 25 मजदूर 7.5 किलोमीटर सड़क, और दूसरा है फिर हमारे पास x मजदूर 10.2 किलोमीटर सड़क। ठीक है, सेम हम सूत्र यूज करेंगे, x1/y1 बराबर x2/y2। मैं आपको हर प्रश्न में बता रही हूँ कि हमें x1 और x2 लेना है इसको, और इसको y1 और इसको y2 लेना है। ठीक है, तो अब हम x1 लेते हैं 25/7.5 बराबर x/10.2। त्रिकोण हम करते हैं इसमें 25 × 10.2 बराबर x × 7.5। अब यहाँ पर हमें 25 × 10.2 के नीचे ले आना है इस 7.5 को, ये आ जाएगा क्योंकि x के साथ ये गुणा में है तो ये इधर भाग में स्थानांतरित होगा। ठीक है, अब देखिए 7.5 और 10.2 दोनों में पॉइंट के बाद दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है, तो हम इन दोनों संख्याओं के दशमलव को हम हटा सकते हैं क्योंकि दोनों के बाद बिल्कुल सेम डिजिट है, इसलिए दोनों में 10-10 का गुणा होगा। चलिए हम गुणा कर देते हैं, 25 × 102 × 10 लिया हमने, 102 का दशमलव हटाने के लिए हमने नीचे 10 लिया और 7.5 का दशमलव हमने हटाने के लिए यहाँ पर ऊपर 10 लिया, तो ये 10 और ये 10 कट गए आपस में। ठीक है, बराबर x। अब इसको हम आसानी से कट कर सकते हैं, 25 से कम 25, 25 दिया 75 और 102 को हम 3 से भाग देंगे, 102/3 बराबर x, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, x बराबर 3 × 9 1 / 3 = 12 34 मजदूर, हमारा उत्तर आएगा 34 मजदूर 10.2 किलोमीटर सड़क बना लेंगे एक सप्ताह में, ये होगा हमारा उत्तर इस प्रश्न का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न 21 है, 10 बोरी सीमेंट का वजन 4.50 क्विंटल है, ऐसी ही 35 बोरियों का वजन बताइए। तो यहां हम लिखते हैं 10 बोरी का वजन कितना बताया गया है, 4.50 क्विंटल, 4.50 क्विंटल, माना 35 बोरी पूछा गया हमें, शायद 35 बोरी का वजन x क्विंटल होगा। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं अपने फॉर्मूले में, यह हमने इस तरह से बॉक्स बनाया, बोरी वजन क्विंटल में। ठीक है, बोरी है हमारे पास 10, तो वजन कितना था 4.50, अब बोरी हो गई 35, वजन हो गया x। ठीक है, हमें ये चीज जमाना पहले आना चाहिए, हमें दिया गया है 10 बोरी, वजन है 4.50 और 35 बोरी, तो वजन है x क्विंटल। अगर हम इनमें से आगे पीछे कर देंगे तो हमारा प्रश्न वहीं पर गलत हो जाएगा, है ना, हमें ये सही जमाना है तब हमारा प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो पाएगा। x1/y1 बराबर x2/y2, x1 है 10/4.50 बराबर 35/x, त्रिज्या गुणा कर देते हैं, 10 × x बराबर 35 × 4.50,
एक्स बराबर 35 गुणा 4.50 बटे 10, 10 का हमने स्थानांतरण किया, 5 में 10, 5 × 7 = 35, एक्स बराबर 7 गुणा 4.50 बटे 2। अब 2 से हम 4.50 को भाग दे सकते हैं तो कितना आएगा, x बराबर 7 गुणा, चलिए भाग देते हैं 2 × 4, फिर हमने दशमलव वैसे पर वैसे ही लगा लिया, फिर 2 × 4, 5 में से 4 घटा तो बचा 1, 1 और 0 हुआ 10, 2 × 5 = 10, यहाँ आया 2.25, 4.5 का आधा हुआ 2.25, सीधे सीधे x बराबर 7 × 35 = 5, 7 × 35 = 5, हाथ में आई 3, 7 × 2 = 14, 15 × 16 = 17, हाथ में ये 7 × 2 = 14 = 15, ये आया हमारे पास 15.75 क्विंटल, मतलब 35 बोरियों का वजन 15.75 क्विंटल होगा उत्तर। ये हुआ हमारे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 22 है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, नीचे दी गई सारणी में तय की गई दूरियों और समय अनुक्रमानुपाती विचरण में दिए गए हैं, तो दूरी तथा समय का सही संबंध जोड़िए। आपको दूरी दी गई है 120, 180, 210 और 240 और समय दिया गया 3, 2, 4, 3.5 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर, तो घंटे में कितना चलेगी, वो 2 घंटे में वो चलेगी 60 को हम डबल कर देते हैं, 60 × 2 = 120 किलोमीटर, है ना। लेकिन इसको हम ज्ञात करके भी देख लेते हैं, चलिए किलोमीटर समय, किलोमीटर और समय लिया हमने, किलोमीटर है यहां पर 60, समय है 1 घंटा, दूसरा हम किलोमीटर ले लेते हैं 120, हम ये सारणी इस तरह से बना सकते हैं, 120 के बाद है 180, 210 और 240। अब हम पहले सिर्फ 2 को हम लेते हैं, हमने मान लिया यहां पर x आएगा, ठीक है, तो 60/1 बराबर 120/x, फिर यह गुणा करने पर 60 × x बराबर 120 × 1, x बराबर 120/60, 0 × 0 = 6 × 6 = 12, x बराबर कितना आ गया 2, तो यहां पर हमें 2 घंटे में 120 किलोमीटर हम चल सकते हैं, तो 120 को हमने मिला दिया 2 से, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला। अब दूसरा देखिए, 60/1 बराबर 180/x, तो 60 × x बराबर 180 × 1, x बराबर 180/60, 0 × 0 = 6 × 6 = 12, 6 दिया 18, तो यहां पर आ गया 3 घंटे, इसमें हम घंटे लिख लेते हैं, घंटे। अगर हमें इसे हल करके दिखाना है तो हम इस तरह से हल करके दिखा सकते हैं, तो 180 आएगा 3 घंटे के लिए। नंबर 3 हुआ 60/1 बराबर 210/x, 60 × x बराबर 210 × 1, x बराबर 210/60, ठीक है, 0 0 हमने कट किए। अब 21 को हम भाग देंगे 6 से, तो कितना आएगा, 6 × 6 = 6 × 12 = 6 × 18 = 6 × 24, तो हम 6 × 18 ले लेते हैं, 18 के बाद 19, 20, 21, हमारे पास 3 बचा, तो हम अगर दशमलव लगा देते हैं तो 3 को हम लिख लेंगे कितना, 30, 6 × 6 = 30, तो यहां पर आ जाएगा 3.5 घंटे। तो 3.5 घंटे को हम 3 × 1/2 घंटे भी लिख सकते हैं, तो हमारा 210 में आया 3 × 1/2 घंटे, ठीक है। अब चौथा है हमारे पास आखिरी, यहाँ हम लिख लेते हैं 3 × 1/2 और इसमें लिख लेते हैं 3, 240 है हमारा आखिरी, 60/1 बराबर 240/x, 60 × x बराबर 240 × 1, x बराबर 240/60, मैं 1 को गायब कर देती हूँ क्योंकि 240 से गुणा 1 से करने पर 240 ही आएगा, इसलिए इसको दोबारा मैं नहीं लिखती, 0 0 कटा, x बराबर 6 × 24 होता है 4 घंटे, यहाँ पर आ गया 4 घंटे, यहाँ हमने लिखा 4 और यहाँ उत्तर में आ गया 4 घंटे, ठीक है। तो ये हमारा उचित संबंध भी हमने मिला दिया, सही संबंध हमने मिला लिया। तो देखिए इस तरह से अगर हम
प्रश्नों को समझकर हल करेंगे बहुत ध्यान से, तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे और हमें बिल्कुल सही उत्तर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 7.1 हुआ पूरा। अगली प्रश्नावली को हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।